नमस्कार दोस्तों, अभी हम जमुनापारी बकरी की तलाश में हैं, घूम रहे हैं और एक दादाजी मिले हैं जिनके पास बहुत बेहतरीन क्वालिटी का ब्रीडर है। ये देखते हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं और फिर आपको इनके पालन के बारे में बताएंगे। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बकरियाँ एक्चुअली जो थी वो ढिल चुकी थी, मतलब बाहर जा चुकी थी चरने के लिए। ये बकरा है और कुछ बच्चे हैं, हम इन्हीं के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं बाबा से और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो दादाजी स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। थोड़ा सा दर्शकों को बताइए क्या नाम है और जगह का नाम क्या है। राम प्रकाश, गांव चिकना है जी। कौन जिला? इटावा। जिला इटावा। और दर्शकों मैं आपको बताऊं, ये चकर नगर से कितना दूर है सर? चकर नगर 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर पास में ही है, मतलब अगर चकर नगर तो वैसे सबका जाना हुआ है और वहाँ से ये पास में गांव है, 6 किलोमीटर आप आ सकते हैं। तो जैसे ये बकरा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से लाए थे और कब से आप बकरी पालन कर रहे हैं? नहीं, वो तो घर की छेरी कोई है। घर की बकरी का है? घर की बकरी का है। घर की बकरी को ये। और दादाजी क्या, कितने साल हो गए आपको बकरी पालते हुए? बकरी तो बहुत हो गए थे ना, बताइए बताइए। 50 तक कम नहीं हुए। और क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र हो 75 की। 75, मतलब 50 साल तो आपको पूरे तरीके से नेक से आते, तब तो हम पाल रहा है, फिर लड़का पालन लगे। अच्छा, और कितनी बकरियां हैं अभी आपके पास? 5 है। 5 बकरियां रखे हुए। चलिए, तो थोड़ा सा इस बकरे के बारे में बताइए, क्या डिटेल होगी इसकी, कितने दांत बना ली इसने, पकड़ के थोड़ा सा दिखाइएगा। राम भी दिखाइए थोड़ा सा। दादाजी शर्मा रहे हैं या घबरा रहे हैं? ना, घबरा नहीं रहा है। 6 दांत बहुत बढ़िया। अब पंच आप देखिए इसका, गजब। बहुत बढ़िया सींग आप देखिए, मार्बल है और पंच इसका चेहरा है, गुलाबी हो गया। खुर भी आप देखिए, बिल्कुल। और हाइट क्या होगी इसकी? 40 कितने कितने साल से है अभी आपके पास? ये 2 वर्ष हो गई। 2 वर्ष हो गए इसको। कितनी बार? एक ही बार इससे क्रॉस लिए हैं? हाँ, ये कई बार क्रॉस हुई। सही भाई, एक बार क्रॉस हुई। चलिए बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा आप इस बकरे की खास बात बताइए सर, क्या और भी जमुनापारी जो बकरी है उसको क्या और खास बनाती है दूसरी बकरियों की तुलना पर, ये थोड़ा सा बताते चलिए आप। ये खास बात तो ये है, जिस बकरी के लिए बकरा मेल अच्छा है तो अच्छी बकरी हो जाती है। उसके बाद बकरे के बारे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होना चाहिए, पंच फेस होना चाहिए, गुलाबी होना चाहिए, सींग मार्बल होना चाहिए, फिर भी मार्बल होना चाहिए। बहुत अच्छा। उस कैसी भी बकरी हो, वो अपने बकरे अपने ऊपर ले जाएगा। जो अपन हमेशा बात कर रहे थे अभी इस वीडियो में कि यार बकरी काली भी हो, काली हो, अपने ऊपर ले जाए है तो अपने ऊपर गुलाबी बच्चा पैदा होगा। बिल्कुल। और नंबर एक पर बच्चा होगा, जैसे ही बकरा होगा तैसी नस्ल निकालेगी। और विशेषकर ओरिजिनल बकरा है तो ओरिजिनल बच्ची होगी या बेटा होगा। बहुत बेहतरीन, आप ये देखिए, बहुत शानदार और एग्रेसिव बकरा है जो होना चाहिए। और उसकी बिल्कुल बालों की लंबाई देखिए, आगे और पीछे की बालों की लंबाई देखिए, बेहतरीन। 6 दांत में है। एक बार इन्होंने अभी बकरी की ब्रीडिंग ली हुई है। चलिए, इसके कुछ रिजल्ट अभी घर पर हैं, बच्चे अभी घर में हैं ना अपने इसके, आइए उनको देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि जैसा कि यहाँ पे माना जाता है और ये चीज़ सही भी है कि अगर बकरा आपका बहुत बढ़िया है तो बकरी कैसी भी हो वो चलेगा। आप ये देखिए, ये इसी बकरे के ही जो एक काट ली थी जो भैंजो है ना भाई, एक जाक ही नहीं है ताश। कोई बात नहीं, उसको अपन अलग से बता देंगे। हाँ हाँ। दादाजी कह रहे हैं कि एक नहीं है इसकी। हाँ। बाकी सारे इसी बर्रा छेरी बर्रा ही पे खाने है ना। जानवर इसके हैं, दो नहीं है। नहीं, चार हैं। चार इसी के हैं। चार इसी के, भाई एक नहीं है, वो कौन नाम गुली। बहुत बढ़िया। हाँ। वो आखिरी में जो दिख भी नहीं रही है वो है। हाँ। है ना। और ये बाकी चार जो सामने दिख रहे हैं आपको, 6 मरी गए। बिल्कुल।
तो जैसे आप बता रहे हो चार ही बचे हैं, छह खत्म हो गए, मर गए, तो क्या वजह थी उसका, उसकी क्या वजह थी? ठंड के कारण, अभी ठंड के कारण। तो और कुछ अलग से नहीं करते हैं ठंड से बचाने के लिए इनको? अरे बड़ा तो इलाज करा दे, लगत नहीं है इलाज लगो नहीं। क्या क्या करते हैं इलाज में, जैसे अगर हम मैं जानना चाहूँ, जो नए लोग हैं अगर वो जानना चाहें, तो क्या क्या किया जाता है इलाज में? यहाँ तो वही है, जैसे गुड़ दे दिया, मेथी दे दिया, रियायती इलाज है। कोई डॉक्टर पे जाता नहीं है और डॉक्टर के बारे में कोई पता नहीं है, तो अपने देहाती इलाज करते हैं। जैसे कोई जड़ी बूटी है, जैसे गुड़ी सर है, वो कोई चीज़ है उसे घिस के दे देते, सर्दी भी दूर हो जाती। वो ज़्यादा सर्दी है तो टायर का धुआं दे देते, बालों का धुआं दे देते। अच्छा। तो धुआं से सर्दी दूर हो जाती। अब कुछ कारण से ये है, सर्दी लगी कछु समय जी आपद में थे, परेशानी, इसलिए बच्चों की इनने कर नहीं पाई देखभाल, इसलिए गड़बड़ हो गई। मतलब परेशानी रही घर पे, घर पे रुक नहीं पाए, देखभाल कर नहीं पाई। विशेष जानवर है, देखभाल सुबह शाम तो देखा ही चाहिए, इनने 8-8 दिन देखा नहीं, तो उसकी वजह से नुकसान हो गया। पर बच्चे तो बहुत अच्छे आए हैं, बहुत सुंदर बच्चे हैं। आप देखिए हर एक बच्चा जो है वो बहुत सुंदर है। कान देखिए, सींग भी इसके, पैर भी देखिए, सब एक से बढ़कर एक हैं। तो ये होता है, अगर आपका बढ़िया क्वालिटी का ब्रीडर है तो रिज़ल्ट भी आपको बहुत बढ़िया मिलता है। और ये जो चार बच्चे हैं ये इसी ब्रीडर के हैं जो आपने वीडियो में शुरू में देखे, और बाबा ने अपना एड्रेस भी बताया। तो आप बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल उनके पास आएँ, विज़िट करें, देखें, और उनकी बकरियाँ आएंगी तो ज़रूर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ऐसा करता हूँ, ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।